नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। दिल्ली में अपराधियों के बेखौफ होने का अंदाजा से आप लगा सकते हैं कि आज सुबह एक विधायक पर गोली चली है। आप तस्वीरों में देखिए, बीजेपी विधायक के घर के बाहर ये गोलीबारी हुई। हालांकि बाल बाल बच गए हैं वो अलग बात है। बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह उर्फ शंटी पर गोली चली। आज सुबह की ये वारदात, घर के बाहर विधायक पर गोली चलाई गई, वो बाल बाल बच गए इस पूरी वारदात में। वारदात की ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एक तरफ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी विधायक के घर के गेट की ये तस्वीरें हैं। घर के बाहर कुछ लोग पहुंचते हैं, अज्ञात ये लोग हैं, सर पर हेलमेट पहना हुआ है, पहचान नहीं हो पाई है। बीजेपी विधायक के ऊपर एक के बाद एक गोली चलाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। देखिए तस्वीरें, आप देखिए सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। ये अज्ञात हमलावर हेलमेट पहनकर रेड सर्किल में आपको दिख रहा है, इंतजार कर रहा है और घर की बेल बजाता है, डोरबेल बजाता है। अभी तक घर के गेट पर कोई आया नहीं है। फिर इधर से उधर टहलता हुआ ये अज्ञात हमलावर इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो फिर आता है, घर की बेल बजाता है, लेकिन अभी तक घर का दरवाजा नहीं खुला है। ये तस्वीरें घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। देखिए किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। देखिए अब जितेंद्र सिंह उर्फ शंटी जब घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी हाथापाई शुरू होती है, उसके बाद देखिए रिवॉल्वर अपने जेब से वो निकालता है और फिर देखिए एक के बाद एक, एक दो तीन चार, गोलियां एक के बाद एक चलाई। जितेंद्र सिंह उर्फ शंटी इधर से उधर भागते हुए, खुद को बचाते हुए इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि घबराए हुए हैं, घर की डोरबेल बजाते हैं दरवाजा खोलने के लिए, बाल बाल वो बच गए हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर ये बदमाश था कौन। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। हमलावर आता है, पहले कुछ बात करता है, फिर प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि शायद वो कुछ पूछताछ कर रहा है। इसी पूछताछ के बाद दूसरी तस्वीरें बच गए हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर ये बदमाश था कौन। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। हमलावर आता है, पहले कुछ बात करता है, फिर प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि शायद वो कुछ पूछताछ कर रहा है। इसी पूछताछ के बाद दूसरी तस्वीरें देखिए, किसी बात पर हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर तीसरी तस्वीरें देखिए, हाथापाई के बाद जब जितेंद्र सिंह और शंटी को थोड़ा शक होता है, वो इधर उधर हटते हैं, तो एक के बाद एक तवंचे से चार गोलियां चलाई जाती हैं। और इसमें ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएं कि जितेंद्र सिंह उर्फ शंटी से बातचीत की है हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने और जायजा लिया है हालात का। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर अज्ञात बदमाशों ने सुबह फायरिंग की, हालांकि इस दौरान ये बाल बाल बच गए। हमारे साथ जितेंद्र सिंह शंटी मौजूद है, इनसे जानते पूरा मामला क्या था। सर क्या हुआ था, पूरा मामला ये बताएं। लगभग 5:38 में किसी ने खटखटाया दरवाजा, लेकिन वो व्यक्ति पहले से खड़ा था, मतलब आधा घंटा पहले से यहाँ गली में टहल रहा था, रेकी कर रहा था। क्योंकि मैं सारा दिन बहुत बिजी रहता हूँ, 8 बजे के बाद तो बहुत भीड़ आ जाती है, लेकिन ये जो टाइम है किसी को पता था कि मैं खाली रहता हूँ, बाहर अखबार लेने भी आता हूँ, कुत्ते को भी घुमाता हूँ, सैर भी करता हूँ। मैं आज बाहर नहीं आया, तो उसने घंटियां बजाई एक बार, दो बार, तीन बार, तो मैं मिसिस को बोला, वो नहीं उठी, तो मैंने दरवाजा खोला आगे, तो उसके हाथ में कागज थे, कहने लगा ये कागज अटेस्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही घुमा हूँ दरवाजे से, कागज मेरे हाथ से गिर गए और मैंने कागज फिर उठाए। फिर जैसे ही मैं अंदर जाने लगा तो उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया इधर से। मैंने सोचा कि बदतमीजी कर रहा है या तो मुझे क्यों खींच रहा है, क्या बात है। तो मैंने देखा दूसरे हाथ से पिस्तौल थी उसका, तो मैंने उसे हाथ पे हाथ रख के धक्का मुक्की मारी शुरू हो गई और मुझे उसने खींचना शुरू कर दिया। लेकिन 15 फुट मुझे खींच के ले गया बाहर तक, और यही बोलता जा रहा था, बोलियो मत, बोलियो मत, चुप रहियो, मतलब। लेकिन उस हाथापाई में मैं छूट गया उससे। छूट के जब मैं भागा हूँ तो गलती से मेरा हाथ लगने से मेरा ही दरवाजा लॉक हो गया। मैंने खोला था बाहर, मैंने थोड़ा अंदर कर दिया, मेरा इंटरलॉक से दरवाजा बंद हो गया। तो उसने गोली मारी पहले मेरे दरवाजे में लगी, मैं फिर दूसरे दरवाजे पे गया, वो ऑलरेडी लॉक था। मैंने बेटे को घंटियां मारी जोर जोर से आवाज, मैंने बुखड़ा गया मैं बहुत ज्यादा। तो उसने फिर दूसरी गोली मारी मेरे बिल्कुल पास से, सन से मेरे कान के पास से निकल गई, हमारे पड़ोसी भी देख रहे थे। फिर उसने तीन चार, मतलब मुझे लगता है 4 राउंड उसने चलाए हैं, और कुदरती बात है, देखो मुझे एक भी गोली नहीं लगी, सीसीटीवी में लाइव आ रहा है कि ऐसे चला रहा है मेरे ऊपर, मुझे परमात्मा ने बचाया है। पंडित जी और भी लोग हो सकते हैं उसके साथ, आपको ऐसा लगता है? वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसका जो स्टाइल था
वो मुझे लगता है कि मुझे गन पॉइंट पे ले जाना चाहता है। किडनैप करना चाहता? यस, जो वो 15 फुट तक खींच के ले गया मुझे, उसका अभी कोई गोली मार सकता था, गोली तो खड़े खड़े मार देता मुझे, वो मुझे खींच रहा था और हाथापाई हो गई है उसमें। तो अगर मैं हाथापाई नहीं करता तो या तो लेके जाता या मार के जाता। जैसा कि आपने बताया हेलमेट लगा रखा था, खींचा था नहीं, हेलमेट उसका उतरा था कि लास्ट तक हेलमेट? नहीं नहीं नहीं, कोई हेलमेट नहीं उतरा, हेलमेट ठीक था उसका बिल्कुल, फर्स्ट क्लास सूटेड बूट था, फ्लीट्स पहने हुए थे, फ्लीट्स मुझे नहीं रहे, कपड़ों को मुझे याद नहीं। अच्छा, किसी पे डाउट है आपको इस पूरी घटना के बारे में? नहीं, मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, गलत काम नहीं किया, कभी अपने इंटेंशनली नहीं किया। अगर अनजाने में किसी की गलती होगी हो तो मैं कह नहीं सकता। फोटो वगैरह भी इसमें ऐसे कोई आपके पास आया जिससे आपको सर लगा होगी? मुझे कोई थैंक नहीं। पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, मौके पर पहुंची है पुलिस? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सारी ले लिया, क्योंकि चार कैमरे तो मेरे घर के बाहर ही लगे हैं, उसकी फुटेज सारी आ चुकी है पुलिस के पास। अब पुलिस को रिपोर्ट करने में तो है नहीं, टाइम लगेगा उसमें सर। लगभग कितने राउंड फायर हुआ था आपके ऊपर? चार, तीन के तो खून मिल गए हैं, चौथा नहीं मिला है, मुझे लगता है चार ही। मेरे को मेरा जो पड़ोसी है वो भी चार कह रहे हैं, और मेरा जो अपना एक सुरक्षा वाला अधिकारी है उसने भी अंदर सुना, उन कह रहा चार। तो गनीमत की बात यहाँ पर ये रही कि जितेंद्र सिंह शंटी इस दौरान बाल बाल बच गया, हालांकि इस दौरान तीन से चार राउंड फायर हुआ और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है और पूरे मौके पर पहुंच करके मौके की तफ्तीश भी यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी को आप सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पर शक जाहिर नहीं किया। सुबह 5:30 बजे की घटना जो कि हैरान करती है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें हैं वो पुलिस को दे दी गई हैं, पुलिस जांच के नाम पर आगे कार्रवाई कर रही है, लेकिन बाल बाल बच गए हैं ये गनीमत की बात है। नरेश बिस्वानी बात कर रहे थे, नरेश बिस्वानी से आगे हम बातचीत करेंगे, उनसे ताजा अपडेट भी लेंगे, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि जितेंद्र सिंह शंटी की पत्नी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहती है। 5:30 बजे के करीब सवेरे ने दरवाजा खटखटाया, तो इन्होंने मेरे से बोला कि दरवाजा खोल, मैं थोड़ा धीरे चलती हूँ, कहते चल मैं ही जाता हूँ। तो इन्होंने डाइनिंग रूम से जैसे दरवाजा खोला, 2-2.5 मिनट में गोलियां चलने की आवाज आई, मेरा बेटा बाहर भाग के गया, उसने इनको घसीट लिया, बोला पेपर अटेस्ट करने हैं, एक पेपर नीचे गिरा दिया, जैसे ही पेपर उठाने लगे उसने रिवॉल्वर निकाल ली, गोलियां, हमारा दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया, ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये खूब लड़े हैं उनसे 2-2.5 मिनट, आप कैसे नहीं देख सकते हो। कुल मिला मैं बोलूंगी भगवान ने मेरा पूर्ण भरोसा वही काम आया, और मेरी दरख्वास्त है मीडिया से, पुलिस से, ये ऐसा बंदा जरूर पकड़ा जाना चाहिए जो मित्र नए काम कर रहे हैं। बेटा मुझे कुछ नहीं पता कि इतना नेक बंदा हो, हमारा पूरा परिवार लगा रहता है, मैं तो 1-1 बजे भी दरवाजा खोल देती हूँ बेटा, कि कोई मजबूरी में आता है। जितेंद्र सिंह शंटी की पत्नी को आप सुन रहे थे, जो कि ये शुक्रगुजार कर रही थी ऊपर वाले का कि उनके पति बच गए, लेकिन ये जरूर कहा कि वो पकड़ा जाना चाहिए जिसने इस तरह की हरकत की है, जिसने इस तरह का हमला किया है, वो भी घर के बाहर आकर। नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, सबसे पहले ये बताइए, जो फुटेज पुलिस को मिला है उसके आधार पर पुलिस ने अब तक किया क्या है, क्या कुछ जांच में सामने आया है, क्या पहचान हो पाई है हमलावर की? बिल्कुल, पहचान नहीं हो पाई है हमलावर की, क्योंकि उस शख्स ने हेलमेट लगाया हुआ था जिस वक्त यहाँ पर आया, काफी देर तक वो यहाँ पर रेकी करता रहा, काफी देर तक इनकी डोरबेल बजाता रहा, करीब 15 से 20 मिनट बाद घर से बाहर जितेंद्र सिंह शंटी आते हैं और जब उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है तो वो अपने कागज दिखाता है और ये बात कहता है कि उसको ये पेपर अटेस्ट कराने हैं। इसके बाद जितेंद्र सिंह शंटी वहां पर पहुंचते हैं और उनका गिरेबान यहाँ पर अचानक पकड़ लेता है, एक के बाद एक 3 से 4 राउंड फायर इस दौरान किए जाते हैं, और इस दौरान गनीमत की बात ही रहती है कि जितेंद्र सिंह शंटी बार बार बच जाते हैं। हमारे साथ जितेंद्र सिंह शंटी खुद मौजूद है, शंटी जी बाल वाला बचे हैं, गनीमत की बात है, किस पर शक जाता है? देखिए, मैं किसी पे शक नहीं करूंगा, क्योंकि जब जान बच गई है इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, और मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया है, किसी के साथ जाती नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा को किसी पे शक करना ठीक नहीं है। जो हुआ है ये हादसा जिसने भी करवाया, मुझे किसी पे गिला नहीं है, शक नहीं है मुझे। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, कुछ जानकारी मिल पाई आपसे भी, कुछ बयान यहां पे दर्ज कराए गए होंगे, कहां तक पहुंची तफ्तीश? पुलिस को सारी सीसीटीवी फुटेज दे दी गई है, चार कैमरे हमारे घर के बाहर लगे थे, चारों की रिकॉर्डिंग आ गई है, बंदे का सारा हुलिया आ गया है, भागते हुए आ गया है, सारी बात आज मैंने बता दी है, जो उन्होंने बात की, वैसे मुझे कैसे खींचा, कैसे मैंने छुड़ाया, कैसे गोली चलाई, सब सामने आ गया है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। आपको घसीटते हुए बाहर तक ले गया था, तो बाहर जब आपको ले गया तो उस दौरान देखा कि कुछ और भी लोग से साथ थे क्या? नहीं, अकेला था और बोलता जा रहा था कि बोलियो मत, बस एक ही बात बोल रहा था कि बोलियो मत। मुझे लग रहा था कि मुझे शायद किडनैप करके ना ले जाए, जिस प्रकार वो खींच रहा था, तो उस समय मेरे थोड़ा सा होश ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था खींच के गाड़ी वाड़ी में ना बिठा रहा हो, बाहर गाड़ी ना खड़ी हो, तो फिर मैंने भी जोर लगाना शुरू किया,
तो जब उसने पिस्टल निकाल के ताननी शुरू की और मैंने देख लिया कि अब तो इसके पास हथियार है, तो मैं छुड़ा के भाग लिया। फिर भाग के गलती से दरवाजा बंद हो गया मेरे से, बस उससे बच गया, नहीं तो उसको गोली मार दी थी, अपने तरफ मार दिया था उसने। जैसा आपने बताया कि सुबह 5:30 बजे के आसपास का ये पूरा इंसिडेंट है, उस दौरान आपके पास अक्सर लोग आते हैं कि पहली बार कोई शख्स आया था इस तरह से? मेरे यहाँ रात को 2:30 से 3 बजे भी लोग आते हैं, क्योंकि खाली एक मैं नगर सेवक ही नहीं हूँ, यहाँ लोगों से 25 साल से किसी को खून चाहिए, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, आ जाते हैं लोग। लेकिन मैं जिनको पहचानता हूँ उनको तो अंदर बुला लेता हूँ, जिनको नहीं पहचानता उनका काम बाहर बाहर ही कर देते हैं, इसलिए मैं अंदर भी नहीं बुलाया उनको, मैं बाहर ही रहा क्योंकि मैं जानता ही नहीं था उसको, अगर वो अंदर आता तो शायद मार के निकलता फिर वो। आपके पास आपके साथ हमेशा पंजाब पुलिस का एक गार्ड भी रहता है, उस वक्त वो कहाँ था? क्योंकि सुबह 5:30 बजे का वाकया है, उस वक्त वो कहाँ था? घर में ही ऊपर हमने जो गार्ड रूम बनाया हुआ है, मेरे पास जो गार्ड थे ऊपर सोए हुए थे, चूंकि जब मैं पब्लिक को मिलना शुरू करता हूँ 8:30 के बाद, उसके बाद वो मेरे साथ ही रहते हैं रात के 12 बजे तक, और एक मिनट भी मेरे से जुदा नहीं होते हैं। लेकिन जिसने भी समय चुना है बहुत सोच समझ के चुना है और ये रेकी करके चुना है, और आज भी CCTV की फुटेज बता रही है कि वारदात करने से पहले वो बंदा 20 मिनट तक गली में घूम रहा था। आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, आने वाले समय में आप एहतियात के तौर पर कुछ और करेंगे या फिर सुरक्षा के लिए यहाँ पर डिमांड करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जैसे रूटीन हमारा जीवन, हम तो वैसे ही रहेंगे, हम तो अपने जनता से मिलेंगे, जनता के काम करेंगे, हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि जनता के काम करें, कोई बात नहीं, भगवान ने बचा दिया, बस जाको राखे साइयां मार सके ना भाई। तो साफ तौर पर यहाँ पर सीरेंद्र सिंह शंटी अभी भी अपनी इस बात को लेकर के, इस हमले को लेकर के काफी ज्यादा हालांकि भयभीत जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि वो अभी सुरक्षा के लिए यहाँ पर रचना मांग कोई करने नहीं वाले हैं, क्योंकि इनका यह कहना है कि वो नगर सेवक हैं और जिस तरह से अपना जीवन वो यापन कर रहे हैं इसी तरह से करते रहेंगे। ये उम्मीद कर रहे हैं कि बदमाश तक पहुंच पाए पुलिस। लेकिन नरेश, जैसे हमने CCTV फुटेज देखी, पहले हमलावर आता है, फिर जितेंद्र सिंह शेंटी बाहर निकलते हैं, बातचीत होती है, हाथापाई होती है, एक के बाद एक राउंड फायरिंग की जाती है, लेकिन जब वो बदमाश बाहर की तरफ भागता है तब उनके घर से कोई दूसरा शख्स निकलता है, फिर दोनों भागकर गेट की तरफ जाते हैं। जरा पूछिए उनसे ही कि आखिर वो कौन था जो उनके घर से बाहर निकला, और जब वो बाहर तक भागकर गए, फॉलो किया बदमाश को, तो क्या देखा? बदमाश क्या अकेला था और कैसे आया था? हेलमेट था तो क्या वो बाइक से आया था? रचना देखिए, मैं आपको बता दूं, जब ये पूरी घटना हुई उस दौरान उनकी पत्नी और उनके बेटे अंदर सो रहे थे। घटना के तुरंत बाद, क्योंकि जब इनका जो दरवाजा है वो अंदर से इंटरलॉक हो गया था, दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई लेकिन वो चूंकि अंदर से इंटरलॉक हो गया था और इसी के चलते वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी तो उनकी पत्नी और उनका बेटा जाग करके बाहर आए और उन्होंने उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो शख्स फरार हो गया था। अपने हेलमेट को वहां पर एक पास में एक पार्क है वहां पर उसने हेलमेट को फेंका था और वहां से वो अपनी मोटर बाइक में बैठ करके फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ये मान रही है कि इस पूरे मामले में, इस पूरी वारदात के दौरान उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं और इसी के चलते पुलिस यहां पर पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस को मौके से 3 बुलेट के खोल मिले हैं और पुलिस ने वो तीनों ही खोल अपने कब्जे में ले लिए हैं। तफ्तीश यहां पर पुलिस कर रही है। पुलिस का इतना जरूर कहना है कि इस जानलेवा हमले के पीछे हो सकता है कि इन बदमाशों ने पहले पूरी रेकी की हो और रेकी के बाद ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया हो, क्योंकि वक्त जो इन्होंने 5:30 बजे का चुना है इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए, उस वक्त आसपास पूरे मामले में अब ये पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है कि हमलावर तक पहुंचे। और गनीमत बार बार यही जितेंद्र सिंह शंटी के परिवार की तरफ से भी कही जा रही है कि गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। हालांकि अब पुलिस आगे का काम करेगी और जितेंद्र सिंह शंटी कह रहे हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। नरेश, नजर आप बने रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 15 करोड़ की फिरौती के लिए कैसे ले ली गई मासूम की जान। एक ब्रेक के बाद।